अमित जी, बायोलॉजिकल एनर्जीज की बात हो रही है और आपने बहुत डिटेल में बात की थोड़ा अब हम कफ की भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ थोड़ा पित्त को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। स्वामी जी, ये जो मौसम जब बदलता है ना, सबसे ज्यादा असर ये, और खासतौर पर जब सर्दियां आने लगेंगी और सर्दियां आ जाएंगी, तब कफ की परेशानी बहुत तकलीफ देती है। तो कफ दोष ना बिगड़े, ऐसे में क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ अगर पित्त किसी के शरीर में ये दोष ज्यादा है, ये ज्यादा बिगड़ा हुआ है एनर्जी, तो फिर एसिडिटी, जलन, अल्सर और चक्कर जैसी जो परेशानियां हैं, उसे कैसे शांत करें? नस्य जी, और पित्त के लिए कुंजर उल्टी सप्ताह में एक ही बार कर लें। सप्ताह में एक बार जो नस्य कर लेंगे, उनके अंदर कफ संचित नहीं होगा। संचित होते हैं ना दोष, कोई भी चीज़ अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब उसको टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, इन्फ्लेमेशन बोलो, इन्फेक्शन बोलो, नेगेटिव एनर्जी बोलो, उसको रोग विकार बोलो, कुछ भी दोष बोलो, तो कफ इकट्ठा नहीं होगा। सप्ताह में एक बार भी हमने नस्य कर लिया, पित्त इकट्ठा नहीं होगा यदि सप्ताह में एक बार भी हमने कुंजर क्रिया कर ली। वात शरीर में संचित नहीं होगा सप्ताह में एक बार भी यदि भस्त्रिका कर ली। तो लो, एक तो ये उपाय बता दिए। फिर अच्छा, ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो मैं मोटापा के लिए बता रहा हूँ, ये कफ के नाश के लिए भी हैं। शरीर में गांठें और कई तरह से जो हमारे सेल्फ का एक सेल्फ लाइफ है, हमारे सेल्स का एप्टोसिस है, वो गड़बड़ हो जाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए भी है। तो अब देखो, एक और छोटी छोटी बातें बताते हुए आगे बढ़ा देता हूँ। वात होने पर दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई, हाँ अरे पथ्या पथ्या बड़ा महत्वपूर्ण, इसको कतई न खाएं। पित्त होने पर मसाले, गर्म चीज़ें, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, आग लगी पड़ी है संसार में, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण दोषों की, कामुकता की, वासनाओं की, कामनाओं की, तृष्णाओं की, लास्ट डिजायर एम्बिशंस, कभी भी ना कभी जिनकी पूर्ति नहीं होती, ऐसे काम जैसे आग में घी डालते हैं तो और बढ़ता है, जैसे अग्निहोत्र यहाँ पर हो रहा है ऐसे। तो इससे ये सारी चीज़ें संसार में आग लगी पड़ी है, तो क्या करें? तो देखो, ये तो मोटापा के लिए बताया, फिर रिलैक्स होने के लिए मरकटासन भी बता देते हैं। तो मैं बता रहा था, वात रोग होने पर दही छाछ से नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें न खाएं, पित्त होने पर गर्म चीज़ें, मसाले, आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हेंसर, फ्रेगनेंस और फ्लेवर, इन्हीं के चक्करों में दुनिया बावड़ी हो रखी है। फिर इससे ये जो पित्त है ना, वो पड़ता है बहुत ज़्यादा। और कफ, जिन जो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, अब देखो एकदम से कोल्ड कॉफ़ी, एकदम से हॉट कॉफ़ी, एकदम से बिना दूध वाली चाय कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा दूध, बहुत ज़्यादा घी खाते, इससे कफ बढ़ता है। पॉल्यूशन से इससे भी फेफड़े प्रभावित होते, फिर उससे भी कफ बढ़ जाता है। बहुत ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, मतलब एक्सेस पर चले गए लोग, एक्सट्रीम पर चले गए वे, बहुत ज़्यादा ठंडा आइस डाल डाल करके पानी पीते, अरे मेरे भाई, उससे फिर जो है ना सारा गड़बड़ होता है, अति सर्वत्र बढ़ जाए। बॉडी टेम्परेचर की चीज़ें खानी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी तेल का सेवन करते हैं, सब चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, इससे कफ बढ़ता है। हम कफ बढ़ने पर खजूर कल्प कराते हैं, वात बढ़ने पर हम ये जो पीडानील पेय जो अभी मैं बता रहा था, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना आदि का रस पिलाते हैं, और उसमें खाली हम मिलेट्स देते हैं और एटीएम की सब्जी देते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा का पल्प 100 ग्राम, मेथी 20-25 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, ओहो, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। पित्त बढ़ने पर तो एलोवेरा, लौकी का पेठे का जूस ही पिला देते हैं, और जो मैंने आज बताया पीपल के पत्तों का रस, और साथ में ये बिल्व के पत्तों का रस और शीशम के पत्तों का रस, ये और खजूर कल्प करा देते। कब बढ़ने पर खजूर ही देते खाने को, अनार, पपीता, बस तीन चीज़ें, और कुछ देते ही नहीं है। और जिनको एक एक सांस भी गिन गिन करके आता है, कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो सकता है, मर सकते, उनको भी मरणासन्न लोगों को हमने बचाया मेरी बहन। तो वात पित्त कफ में खान पान की भी बड़ी भूमिका है। फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा आहार से बनता है और इमोशनल स्ट्रक्चर हमारा विचार से बनता है। फिजिकल बॉडी का रॉ मटेरियल तो खाना ही है ना, और वो वात पित्त कफ
त्रिगुणात्मक त्रिदोषात्मक है, और ऐसे ही सात्विक राजसिक तामसिक विचारों से हमारा भावनात्मक शरीर, हमारी इमोशनल एग्जिस्टेंस तैयार होती है, हमारा चरित्र करेक्ट। अच्छा स्वामी जी, वात दोष के बिगड़ने से जोड़ों की दर्द की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है लोगों में, और हड्डियों में, जोड़ों में बड़ा दर्द होता है, तो जोड़ों और हड्डियों के दर्द में कैसे आराम मिलेगा? इसके अलावा ओबेसिटी, थायराइड, सर्दी, जुकाम, एसिडिटी जैसी जो बहुत सारी लोगों को परेशानी होती है। लोगों के लिए तो पवन मुक्तासन बड़ा ज़बरदस्त है, लेट करके ये देखो पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, ये दो ही कर लेना, ये बात के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। सूक्ष्म एम तो मैं बता ही रहा था, उसको भी मैं बता दूंगा। और आके मंडूकासन ऐसे ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन योग मुद्रासन तो अमित जी और ज्योत्सना जी कर लेंगे, मैं अगला बता देता हूँ। अब देखो जोड़ों के दर्द के लिए हम कंपेरेटिवली भी अपनी बातों को कहते हैं, एलोपैथी में पेन किलर लेते हैं जोड़ों के लिए, फिर स्टीराइड बायोलॉजिकल, दुर्भाग्य से वही एंटीबायोटिक्स, वही स्टीराइड कब बढ़ने पर देते हैं, पित्त बढ़ने पर भी ऐसी कुछ एसिड ब्लॉकर्स दे देते हैं, फिर उस रोगों को दबा देते हैं। एलोपैथी में एसिडिटी का, एलोपैथी में दर्दों का, आर्थराइटिस का, आरएफएक्टिस सीआरपी का, एलोपैथी में बोले जब तक दम रहेगा तब तक दमा रहेगा। अरे भाई आप पूरी तरह से उसको मिटा सकते हैं, एक तो सूक्ष्म है, और बात हर आहार ले जाओ, विवादनाशक आहार में बता रहा था, पीडानील गोल्ड ऑर्थो ग्रिड ले, ऑर्थो केयर ले, सुबह सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, मिलेट्स का सेवन करें, एटीएम का सेवन करें, एटीएम मतलब एटीएम की सब्जी नहीं बनानी, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी बनानी, और धूप में बैठे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी नहीं रहनी चाहिए, इन सबसे वात रोग होता है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब नाड़ीगत वात जो ओमेगा की कमी से होता है, और पूरा स्नायुगत वात जो है वो विटामिन डी B12 की कमी से होता है, फिर नसनाड़ियों में शून्यता आती है, इसके लिए फिर मोरिंगा हम देते हैं। तो धूप में बैठे एक घंटा बहुत ज़रूरी है, फिर दूध दही का सेवन करें, बचपन से ही जो दूध दही छाछ दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, योग को अपनाओ, तो फिर कभी भी वात रोग नहीं होंगे। अब बताओ छोटी छोटी बातें, और लोग मरे जा रहे हैं, दर्द हुए जा रहे हैं, फिर पेन किलर खाते हैं, स्टीराइड खाते हैं, बायोलॉजिकल खा खा करके शरीर को के अंदर जहर डाल डाल करके, और अकाल मौत के आगोश में समा रहे हैं। आओ योग आयुर्वेद का अमृत पियो। अच्छा स्वामी जी, इससे पूरा जीवन ऊर्जान्वित हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।